दोस्तों हमारे देश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं वो तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि आज भारत के सभी राज्यों में लगभग पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर जा चुकी है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि दिन ब दिन इतनी तेजी से पेट्रोल व डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है? क्या सच में इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? चलिए इस छोटे से वीडियो में मैं पेट्रोल का एग्जाम्पल लेकर आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है। लेकिन ये पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, चलिए ये सब हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों जो पेट्रोल आज हम उत्तर प्रदेश में 100 रुपये 56 पैसे देकर खरीद रहे हैं, वही पेट्रोल भारत सरकार को सिर्फ 36 रुपये 70 पैसे में पड़ता है। यानी उसी पेट्रोल का बेस प्राइस 36 रुपये 70 पैसे है। इसके बाद इसमें ऐड होता है इसको लाने का किराया यानी फ्रेट चार्जेस, जो कि सिर्फ 36 पैसे प्रति लीटर लगता है। इसके बाद इसमें डीलर चार्जेस भी ऐड होता है जो कि 3 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर होता है। तो अगर हम इसे पूरा ऐड कर लें तो पेट्रोल की पूरी कीमत हो जाती है 40 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर। लेकिन फिर भी हमें ये पेट्रोल आज 100 रुपये 56 पैसे में मिल रहा है। तो आपको बता दूं कि इसका रीजन है केंद्र सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है कि भारत सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे यानी लगभग 33 रुपये का टैक्स हर इंसान से वसूल करती है। और इतना ही नहीं, इसी तरह राज्य सरकार भी 1 लीटर पेट्रोल पर 26 रुपये 80 पैसे का वैट हर नागरिक से वसूल करती है। यानी लगभग 60 रुपये का टैक्स 1 लीटर पेट्रोल पर हमें देना पड़ता है। और अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें से आप लगभग 33 रुपये मोदी गवर्नमेंट के खजाने में डालते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तब यही एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर थी। तो शायद अब आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार ही जिम्मेदार है। क्योंकि पहले के कंपैरिजन में आज कच्चा तेल हमें बाहर से सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया है कि वही पेट्रोल हमें पहले से भी ज्यादा महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स डेली जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।